व्हाट इस अब गाइस, मेरा नाम है दिव्यांशु महाजन, आप लोग देख रहे हैं टेकी गाइस। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया न्यूज़ निकल के आ रही है गाइस, गाइस फाइनली जो है टिकटॉक दोस्तों वहां पर जो है चाय पी लो पापे खा लो, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो दोस्तों सारी चीज़ जो है बंद हो चुकी है। अब आपको टिकटॉक जो है बिल्कुल भी जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा प्ले स्टोर पर गाइस। गवर्नमेंट ने जो है उस पर जो है टिकटॉक के अलावा जो है 59 ऐप्स पर जो है बैन लगा दिया है, जैसा कि आपको पता ही है। तो मैं आपको जो है बताता हूँ किस किस ऐप पे जो है बैन लगाया है। और गाइस बात करेंगे पबजी के बारे में, तो गाइस पबजी क्या एक चाइनीज ऐप है और क्या गाइस पबजी भी जो है बैन होने वाला है, तो गाइस पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, तो गाइस एंड तक बने रहिएगा। टिकटॉक आपको पता ही है कितना ज़्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म था हमारे इंडिया का, मतलब कोई भी ओंगा पोंगा इंसान जो है कुछ भी उल्टा सीधा सामान जो है पोस्ट कर रहा था टिकटॉक पे। तो गाइस सारी चीज़ें बैन हो चुकी है, पापा की परिया से लेकर आंटी चाय पी लो तक सारी चीज़ें जो है टिकटॉक पर जो है बैन हो चुकी है। इसमें आपको पर्सनली बताऊँ तो टिकटॉक जो है वो आपका डाटा स्टील करता है, मतलब टिकटॉक जो है वो आपकी जो है लोकेशन को जो है ट्रैक करने की कोशिश करता है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ कि टिकटॉक जो है वो आपका जो है डेटा, जो भी जितना भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा है वो सारा का सारा जो है चाइना में जो है ट्रांसमिट कर रहा था। तो गाइस अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इस स्थिति को देखते हुए टिकटॉक को जो है बैन किया है। और गाइस टिकटॉक के साथ साथ 59 ऐप्स भी जो है वो बैन हो चुके हैं। और गाइस मैं अगर बात करूं पबजी की, तो क्या गाइस पबजी एक चाइनीज ऐप है और क्या आपको इसको इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं इंस्टॉल करना चाहिए, क्या आपको इसको रहने देना चाहिए फ़ोन में कि आपको इसको अनइंस्टॉल कर देना चाहिए, तो गाइस बताता हूं आपको। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो है लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए आया था, तो गाइस धीरे 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 करते हुए वो जो है लैपटॉप में और पीसीज में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा। तो गाइस आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब भी आप पबजी को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो है एक टीसेंट गेम्स करके जो है आपको जो है एक लोगो देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसको डायरेक्टली अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं पबजी मोबाइल टीसेंट गेम्स, तो आपको पता चल जाएगा कि टीसेंट गेम्स जो है वो एक चाइनीज कंपनी है। इसके जस्ट बाद आपको जो है एक और लोगो देखने के लिए मिलता होगा जिसका नाम होगा ब्लू होल कॉरपोरेशन। तो कैसे ये जो ब्लू होल कॉरपोरेशन है, वैसे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ब्लू होल कॉरपोरेशन, तो आपको पता चलेगा कि ब्लू होल कॉरपोरेशन जो है वो जो है एक साउथ कोरियन कंपनी है। तो कैसे पबजी का जो बेसिक कंसेप्ट था वो लेके आई थी साउथ कोरिया कंपनी जिसका नाम है ब्लू होल कॉरपोरेशन। तो गाइस ब्लू होल कॉर्पोरेशन ने क्या किया कि अब ब्लू होल कॉर्पोरेशन को गाइस पता चला कि पबजी जो है बहुत ज़्यादा जो है लैपटॉप और पीसीज में जो है पॉपुलर हो रहा है, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसको जो है आगे प्रमोट कर दिया जाए और इसको जो है मोबाइल के लिए भी डेवलप किया जाए। तो गाइस उसको देखते हुए टीसेंट गेम्स जो है जो कि एक चाइनीज कंपनी है, तो गाइस टीसेंट गेम्स ने क्या किया कि जितना भी सारा डाटा था मतलब पबजी गेम का वो उसने लैपटॉप से उठा के मोबाइल में मतलब डाल दिया, या बोलो कि मोबाइल में जो है डेवलप कर दिया। तो गाइस बोलने को पबजी का जो कंसेप्ट है वो जो है साउथ कोरिया कंपनी ने लाया। तो गाइस आप बोल सकते हो कि 50% जो है ये एक चाइनीज ऐप है और 50% जो है ये साउथ कोरियन कंपनी की गेम है। ब्लू होल ने क्या किया, वो जो है पहले चाइना के पास जो है अप्रोच करने गई कि भाई ये जो है एक गेम है जो कि हमने बनाया है, तो इसका जो है इसके अंदर हमको जो है मोनेटाइजेशन इनेबल करना है। तो गाइस चाइना ने जो है मना कर दिया मोनेटाइजेशन इनेबल करने से। चाइना ने उसके बाद में क्या किया, गेम को हटा दिया, बोला कि ये गेम जो है वॉयलेशन फैला रहा है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, और कुछ गवर्नमेंट वर्नमेंट का भी कुछ लोचा करके हटवा दिया गेम को। तो गाइस उसके बाद में चाइना ने क्या किया, एक वैसा का वैसा टापो टाप गेम आपको तो मालूम ही है, चाइना गाइस लपेटने में आपको मालूम ही है कितना ज़्यादा माहिर है। तो गाइस चाइना ने क्या किया, वैसा का वैसा फेस ऑफ फेस गेम उठाकर जो है एक और अपना एक चाइनीज़ गेम बना दिया जिसका लोगो वोगो पूरी सारी सारी टोटल चीज़ें जो है सेम बना दी। और गाइस चाइना तो आपको मालूम ही है कि मतलब लपेटने में कितना ज़्यादा जो है माहिर है। तो गाइस उसके वाला जो ऐप बनाया उन्होंने चाइना के अंदर ही बना था क्योंकि वो ऐप, तो उन्होंने जो है उसको मोनेटाइजेशन भी इनेबल कर दिया। तो गाइस मतलब कुल मिला के उन्होंने क्या किया, घर की खिचड़ी घर में खाओ और मजे मारो। तो गाइस मेरे हिसाब से आपको जो है समझ में आ ही गया होगा क्या सीन है पबजी का। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, होपफुली आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और गाइस अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं आपको मिलता हूँ इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।